नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो पूजा वर्मा लेकर आई हूँ 24 मार्च 2022 का राशिफल अपने टैरोस के द्वारा। ये जानते हैं एरिस यानी मेष राशि। आइए जाने क्या कहते हैं मेष राशि के टैरो कार्ड्स कल के बारे में। मेष राशि वालों, कल के दिन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत खुश फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। बात करती हूँ आपके काम की, तो डेफिनेटली काम के लिए मेहनत आपको कल के दिन ज़्यादा करनी पड़ेगी। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा रहेगा। आइए बात करते हैं टॉरस राशि के बारे में। आइए जाने कर्क राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं। कर्क राशि वालों, हेल्थ कल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव फील करेंगे और कहीं ना कहीं दवाइयों से थोड़ा सा दूर रहेंगे। बात करती हूँ आपके पैसों की, कल के दिन आपके काम बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत दिनों से चल रही प्लानिंग कल के दिन सक्सेस हो सकती है। बात करती हूँ आपके रिश्तों में, तो रिश्तों में थोड़ी बहुत टकराव होने के चांसेस बन सकते हैं। करते हैं जेमिनी। आइए जाने मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों, हेल्थ कल आपकी ठीक रहेगी, छोटी मोटी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मन में आ सकती है। बात करती हूँ आपके काम की, तो कल के दिन काम आपका बहुत अच्छा रहेगा, प्लानिंग्स आपकी सक्सेस रहेंगी। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आइए बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। आइए जाने कर्क राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। कर्क राशि वालों, हेल्थ कल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। बात करती हूँ काम की, तो कल के दिन काम भी ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, प्लानिंग सक्सेस होंगी। अगर कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कल के दिन आपको डेफिनेटली जॉब मिल सकती है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में बहुत मधुरता रहेगी, यानी कि फ्रेंड सर्कल से भी कल मिल सकते हैं, प्रपोज करने का दिन है, कल किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं। बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि। आइए जाने सिंह राशि की टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सिंह राशि वालों, हेल्थ कल आपकी ठीक रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बात करती हूँ आपके काम की, तो काम के लिए छोटी मोटी डिपेंडेंसीज कल के दिन आ सकती हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा धोखा मिलने के चांसेस बन सकते हैं। आइए जानते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के बारे में। आइए जाने क्या कहते हैं कन्या राशि के टैरो कार्ड्स। कन्या राशि वालों, कल के दिन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रहेंगे, हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं। बात करती हूँ आपके काम की, तो काम में आता आता काम हाथ से निकल जाएगा, कल के दिन परेशानी आ सकती है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों की मधुरता बनी रहेगी। बात करते हैं लिब्रा राशि की। आइए जाने तुला राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। लिब्रा राशि वालों, कल के दिन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बात करते हैं आपके काम की, तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग्स, आपके काम सक्सेस होंगे। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में बखूबी गुजरेगा कल का दिन, फ्रेंड सर्कल के साथ मुलाकात हो सकती है। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए जाने वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों, हेल्थ में थोड़ा सा कल आप अपने आप को लो फील करेंगे। बात करती हूँ आपके काम की, तो काम आपका बहुत अच्छा रहेगा, डेफिनेटली नए ऑर्डर्स, नई प्लानिंग सक्सेस होने के चांसेस बन सकते हैं। बात करते हैं रिश्तों की, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। आइए जाने धनु राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों, हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो आपका रह सकता है, तो ग्राउंडेड रहिए कल के दिन। बात करती हूँ आपके काम की, तो डेफिनेटली मंगल कार्य होने वाले हैं, काम धंधा बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है आपको।
बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आइए जानें मकर राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मकर राशि वालों, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बात करते हैं आपके काम की। मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला। बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेंगे डेफिनेटली। कल के दिन अगर आप चाहें किसी को प्रपोज करना तो कर सकते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आइए जाने कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों, हेल्थ कल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। बात करते हैं आपके काम की। तो बनते बनते काम अधूरे रह सकते हैं कल के दिन। बात करती हूँ आपके रिश्तों की। तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं दूरियाँ बनने के चांसेस बन रहे हैं। बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि। आइए जाने मीन राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। कल के दिन मीन राशि वालों, स्वभाव का थोड़ा सा तेजी हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, तो ध्यान रखिए। बात करती हूँ आपके पैसों की। काम आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, प्लानिंग्स आपकी सक्सेस रहेंगी। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्ते डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।